सो गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। और अभी हम हैं गेस्ट हाउस में, जो कि रात को हमने आपको दिखाया था जहाँ पे हम आके रुके थे। और हमारे साथ में है सैंड्रा। सो सैंड्रा इज फ्रॉम स्विस, स्विट्जरलैंड। हेलो, हाउ आर यू? हाय, गुड मॉर्निंग। सो हाउ लॉन्ग यू ट्रैवल? आई ट्रैवल नाउ फॉर ऑलमोस्ट 2 months. Two months. Sandra, tell me about that, your last journey in US. Okay, 3 years ago, I was hiking the Pacific Crest Trail in the USA that starts right on the border from Mexico and goes up to the border to Canada. Mm-hmm. And it's a 4,300 kilometer hike. Yes. भाई 4,300 किलोमीटर तक हाइक किया था मेक्सिको बॉर्डर से लेके कनाडा के बॉर्डर तक। How many days you took? I hiked 5 months. 5 months. 5 महीने लगे थे इनको वो 4,300 किलोमीटर की हाइक करने के लिए। और ये एक्चुअली रियल में तो हाइकर हैं और बट अभी ये साइकिलिंग कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर प्लान इन अफ्रीका? सो माय प्लान इज आई जस्ट चेंज्ड माय मूवमेंट सिस्टम फ्रॉम हाइकिंग टू साइकिलिंग। आई नेवर साइकिल बिफोर, बट आई थिंक इट्स अ गुड वे टू एक्सपीरियंस दैट country. I'm planning to do like 7 African countries in 6 months. तो भाई 6 महीने में 7 कंट्री कंप्लीट करनी है। इन्होंने केनिया से स्टार्ट किया था, तंजानिया आ गए, अभी मलावी आ गए। मुझे कल ये बॉर्डर पे मिले थे तो हमने इकट्ठा राइड किया 30-40 किलोमीटर जो बॉर्डर से यहाँ तक आए। और आज थोड़ी सी देर तो मैं इनके साथ राइड करूँगा क्योंकि इनका राइड करने का तरीका अलग है और मेरा राइड करने का तरीका अलग है। ये 40-50-60 किलोमीटर तक चल पाते हैं मुश्किल से और हम चले जाते हैं 100 से ज़्यादा। एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम की सोलो ट्रैवलर रहते हैं। एडजस्ट से दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद समवन। अभी हम थोड़ा सा राइड करेंगे इकट्ठा यहाँ से अगले टाउन तक, उसके बाद में देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। अच्छा लगता है, रेयरली मेरे को तो कोई बाहर के जो ट्रैवलर हैं वो मिलते हैं। तो थैंक यू सैंड्रा सो मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू ट्रैवल विद यू। हाँ, मार दिए पंप छोरी ने। और अब यहाँ से हम जो है आज 70-80 किलोमीटर का टारगेट रखेंगे क्योंकि सामने मलावी लेक है और जो हवा आ रही है वो हमारे आगे की आ रही है। तो मेरे से ट्रैवल आज शायद इतना नहीं हो पाएगा, पर करूँगा मैं 70-80 किलोमीटर की क्योंकि आज ही प्लेन है, कल से पूरी एलिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे, हाइट चढ़ने लग जाएंगे। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको मेरे वीज़ा की भी बता दूँ। वीज़ा जो है मैंने स्टार्स ट्रैवल करके, एक मलावी में भाई है हमारे विशाल भाई, मैंने उनको फ़ोन किया था कि भाई मेरा वीज़ा का अरेंज करना पड़ेगा। तो विशाल भाई ने हमारा वीज़ा अरेंज करवा के दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मलावी में ई वीज़ा होता है और ई वीज़ा वो रोक के खड़े हो जाते हैं, 15-15 दिन तक 20 दिन तक इशू नहीं करते क्योंकि उनको तो ऐसा होता है मलावी के केस में। तो मैं विशाल भाई का बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे हेल्प करी इस मामले में। लो भाई, ये मेरी धन्नो है, रेडी कर दी है। एक्चुअली क्या, धन्नो बिल्कुल ड्राई चला रहा था मैं 3-4 दिन से, तो अभी ये ऑयल है मेरे पास में तो ये थोड़ा सा ऑयल डालूंगा। मैं ड्राई क्यों चला रहा था कि एक प्रॉब्लम थी। जो कट कट की आवाज़ आ रही थी वो ड्राई में चली गई थी क्योंकि वो प्रेशर नहीं पड़ने दे रही थी। और सैंड्रा मुझसे एक, ये जहाँ भी जाती है इनको जो भी ट्रैवलर मिलते हैं उनसे एक सिग्नेचर लेते हैं, तो इन्होंने एक अपने जो टेंट है उसको सिग्नेचर की वो बना रखी है, तो हम भी इसके टेंट पे एक सिग्नेचर करेंगे अब। लो भाई, ये लिख दिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी विद लव फ्रॉम इंडिया, राज साइकिल बाबा। थैंक यू सो मच सैंड्रा। वो अपनी साइकिल को तैयार कर रहे हैं, अपनी दनों तो रेडी है अभी। तो ये इनकी साइकिल है भाई, इन्होंने लिखा है पोले पोले जांजीबार। ये जांजीबार गए होंगे, पोले पोले का मतलब होता है कि धीरे धीरे चलो और हकुना मटाटा। पोले पोले एक्स्ट्रा टायर 26 2-1 2-1 2-1 2-1 I always use 1.75 1.05 yeah, 1.75 yeah. 75 सामान भी इतना नहीं है हमारी तरह। Never bring that cooking stuff. I do have. Yes. You have? Yeah. Oh.
सामने पुलिस बैरियर आ गया है, पुलिस चेक पॉइंट। हाउ यू फील एज ए सोलो ट्रैवलर ऑन रोड स्पेशली इन अफ्रीका? एट द मोमेंट आई फील प्रीटी गुड बट समटाइम्स आई रियली गॉट अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट बाय मेन। Yeah, it depends on the country and the places you are. So how was the experience in Tanzania? So I must say, I love Tanzania, but that was the toughest country so far from the harassment wise, yes. तो भाई अकेली महिला को ट्रैवल करना मुश्किल तो बहुत है। मैंने भी इनको देखा, जब ये आगे आगे चलते हैं तो लोग बहुत सारे टोंट मारते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में लोगों के टोंट सुनना। ये लोग तो सहन कर सकते हैं, फीमेल हैं, आदमी तो नहीं करता यार, और स्पेशली मैं तो नहीं करता। ये पहला शहर आ गया भाई कोरोंगा, ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, काउंटी कह सकते हो। इसके बाद में मोजोजो आएगा, तो वो यहाँ से 200-250 किलोमीटर है। डायनोसार बना रखा है भाई, ये सिटी के अंदर जाता है। Morning. How are you? Fine, sir, fine. What about you? Good. Yeah, it's all amazing. Okay. Yeah, sir. I'm taking which direction? Huh? Where to? I'm just going towards the Lilongwe. कोरोंगो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यार, बड़ी छोटी सी है और खाली पड़ी है। हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट में सुबह भीड़ लग जाती है, और एक बार एयरटेल का सिम कार्ड चेंज करवाना पड़ेगा यार मुझे, तो उसमें पंगा है। लो भाई, तो शहर में एक ये टेस्को करके ना सुपर मार्केट है, इसके अंदर से थोड़ा सामान लेके दोनों को यहाँ पे खड़ा किया भाई। वो लड़के बैठे हैं, उन लड़कों की वजह से थोड़ा सा सेंटर गई है अंदर, वो जब लेके आएगी तो फिर मैं अपना सामान लेके आऊँगा। यू डन? यस। व्हाट इज दिस? कुकीज और सो। कुकीज। ओके, इट्स नाइस। इट्स टाइम टू से बाय बाय। बाय। अभी हम थैंक यू सो मच। ये लोग तो यहाँ पे रहेंगे भाई, $40-40 का इन्होंने ये रिजोर्ट लिया है, और मैं अब आगे निकल रहा हूँ। इनके साथ में 20-22 किलोमीटर की राइड की है, और मेरी राइड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो ये आराम से आएंगे, तब तक हम चलते हैं। हमें लिलोंगवे पहुँचना है अगले 5-6 दिन में, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। पर रिजोर्ट बहुत सुंदर है, और सामने लेक का व्यू आ रहा है पूरा सुंदर सा। वाईफाई इज़ देयर? नो वाईफाई। इट्स वर्किंग। संग्रह को कर दिया बाय बाय हमने, और हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि यार 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से तो राइड करनी मुश्किल है, और वो मैक्सिमम 60 तक भी जा सकते हैं। हमें राइड करनी है और साथ में अपना बजट भी देखना है, तो वो $40 के होटल उसमें रिजोर्ट में रह सकती है, बट हम नहीं। हमारा बजट जो है $10-15 का है, और उसका $40 का है, तो भाई अपना अपना हिसाब होता है। और वैसे भी आज का प्लान था कि मैं आज राइड कर लूँगा, पर 20 किलोमीटर तो नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी के लिए अपनी जर्नी को चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि अकेले क्यों राइड करता है भाई, तो आज आपको पता चल गया होगा कि अकेले राइड करने का रीज़न क्या है। आप अपनी आज़ादी में होते हो, अपना ट्रैवल करने का तरीका होता है, किसी के साथ एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है आपको पता चलता होगा ना। 20 किलोमीटर तो राइड करूँगा, वहाँ पर एक कोई रिजोर्ट है, उसमें जाके देखता हूँ, अगर काम चल जाता है तो, सस्ता है तो काम तो क्या, अगर सस्ता मिल जाता है तो मैं उसमें रुकूँगा भाई। अभी तो एंजॉय कर रहा हूँ इन रूटों का। ये आम के पेड़, मैंने एक और रिजोर्ट ढूंढा है 20 किलोमीटर चलने के बाद में, अब इसका देखते हैं क्या प्राइस है। आज आप मैक्सिमम 20 दे सकते हैं, क्योंकि इस रोड पे आगे कोई रेस्टोरेंट और कैंपिंग साइट नहीं है, तो $20 तक आज मैं इसका पे कर सकता हूँ। रिजोर्ट तो अच्छा बना हुआ है भाई, सेम लाइक दैट। ये कोई लॉन्ज है भाई, ये लॉन्ज लिया है, ये मुझे रूम मिला है $20 का, मैंने दोनों को अंदर खड़ा कर दिया अभी $20 का, लगभग 1400-1500 रुपये में, और रूम अच्छा है यार। अभी हो जा बंद है, क्योंकि यहाँ लेक फ्लाइज होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, तो ये रूम है भाई, दोनों को अंदर खड़ा किया, ठीक है यार, छोटा छोटा सा,
और व्यू भी अच्छा आ रहा है, इधर जवार खड़ी है और साथ में लेक है, उधर लेक है। मैं लेक का व्यू भी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। देखा हालत कैसी होनी शुरू हो गई है, सेम लाइक जैसे लद्दाख वाले सीजन में नहीं हुई थी ऐसी। खैर हो जाएगी ठीक से। अब मैंने यहाँ के इनके रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया था खाने का और इन्होंने खाना भेज दिया है। एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने चपाती मंगाई, मैंने 3-4 चपाती और ये थोड़ा करी, कड़ी तो मतलब करी का मतलब है सब्जी, सब्जी में तो घी तैर रहा है इतना, ठीक है घी नहीं तेल कह सकते हो, और ये चपाती बना के दी ऐसे, एक तरफ से कच्ची और एक तरफ से पक्की। ये खाएंगे और ये हमारा ड्रंच हो जाएगा, डिनर और लंच। अभी 5 बजने के करीब है तो दोनों चीज़ खा के ना, और डिनर का और लंच का दोनों का काम हो जाएगा। और फिर एक अच्छी सी चाय बनाएंगे, क्योंकि कैटल रखी हुई है इस रूम में, रूम में कैटल होने की वजह से इसमें हमारे पास वो जो पाउच पड़ा चाय वाला, इसमें चाय का पाउच बना के पी के और एडिटिंग करेंगे भाई आराम से। आज थोड़ा लग्जरी भी हो रहे हैं, ये लेक के किनारे ही लॉन्ज है और इसमें एसी भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग 38 डिग्री के आसपास है। अभी 38 डिग्री टेम्परेचर पे 50% के आसपास अगर ह्यूमिडिटी होना तो बैठना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एसी वाला रूम लिया, एसी वाला था ही इनमें, इनके पास नॉन एसी वाला था ही नहीं, और ये $20 का मिला है। तो आज तो हम राजा है, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है यार। अभी एडिटिंग के लिए लैपटॉप निकाल लिया, 2 वीडियो की एडिटिंग करूँगा और अगले 600 किलोमीटर तक फिर मुझे बीच में टाइम नहीं मिलेगा एडिटिंग करने के लिए। सोचा शाम सी हो गई है, 6:30 और 6:30 के बीच का टाइम हो गया, तो मैं सोचा थोड़ा सा लेक साइड का व्यू आप लोगों को दिखा दूँ। और स्विमिंग पूल भी है यार, मैं तो यूज़ नहीं करता स्विमिंग पूल को कभी, पर स्विमिंग पूल बना हुआ है इन्होंने, अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे आप हॉट स्पॉट ले सकते हो, पैसे का वाउचर आता है 1500 क्वाचा का, स्विमिंग पूल बना हुआ है। और ये सारा एरिया बीच एरिया। हेलो हाउ आर यू आफ्टर शावर, स्विमिंग पूल में कूद के आप, ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे आप नहा धो सकते हो अपना। प्लांटेशन बड़ी ज़बरदस्त कर रखी है यार यहाँ पे, जब अपनी छाया आपसे बड़ी हो जाए, अंधेरा होने वाला है या सूरज उगने वाला है। ये सिर्फ लेक है, देखिए सामने पहाड़ दिख रहे होंगे, वो सारे पहाड़ जो हैं वो मला उसमें तंजानिया में। इस लेक का पानी मीठा है। पेड़ बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बादाम का पेड़ है, इसका फ्रूट है बादाम का। पीछे नीम लगे हुए हैं बहुत सारे, देखिए इसके अंदर से बादाम निकलेगा, बादाम की गुठली निकलेगी, फिर उसके अंदर से बादाम का वो निकलेगा। ये भी पका हुआ नहीं है, अभी कच्चा है। लो जी इन्होंने मना कर दिया, नो स्विमिंग अंटिल टुमारो 7:30 AM, क्योंकि इन्होंने कुछ डाला होगा इसके अंदर जिससे कि पानी साफ़ हो जाए, तो केमिकल डालते हैं इसमें कुछ जिससे कि पानी साफ़ हो जाए, तो वो डाल रखा होगा भाई, इसलिए स्विमिंग अलाउड नहीं है। मैं बहुत सारी प्लांटेशन करता हूँ तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं, मैसेज आता है कि भाई मेरे नाम का पेड़ भी लगा दो, मेरे नाम का पेड़ भी लगा दो। तो आगे से कोशिश करूँगा यार, जिस भी भाई के कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसी के नाम पे हम जो है पेड़ लगाएंगे, और उस पेड़ का और उस नाम का हम फोटो का अपनी कम्युनिटी में डाल दिया करेंगे भाई, आगे से हम ऐसा करने वाले हैं। और अगर मेरी जर्नी को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दोगे तो आपका भला हो जाएगा। तो आज का वीडियो इसी बात पे सीताफल के साथ में करते हैं ख़त्म, अभी छोटा छोटा है। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।